जल प्रदूषण रोकने के तालाबों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई है। विसर्जन के लिए कृत्रिम टैंक लगाए जा रहे हैं। वहीं हर जोन में विसर्जन के लिए मोबाइल वाहनों की व्यवस्था की गई है। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने तालाबों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई है। आदेश जारी करने के बाद तालाबों की टीम की शेड से ढक दिया गया है। जोन स्तर पर मोबाइल विसर्जन वाहन घर घर पहुंचेंगे। भक्तों के लिए मोबाइल नंबर जोन आधार पर जारी किए गए हैं। मनपा के नोडल अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र महल्ले ने बताया कि विसर्जन के समय जोन कार्यालय को बताना होगा। उस समय संबंधित वाहन व्यक्ति के घर पर पहुंचेंगे। कोविड संक्रमण कम होने की वजह से घरेलू प्रतिमाओं की संख्या 2 लाख से अधिक होने का अनुमान है। इसे देखते हुए शहर में 248 कृत्रिम टैंक लगाए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर जोन स्तर पर टैंक की संख्या बढ़ सकती है। घन कचरा व्यवस्थापन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि कृत्रिम टैंक में ही प्रतिमाओं का विसर्जन करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।